नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप आ चुके हैं वन वन न्यूज के फेसबुक लाइव पर। दिन भर की जो बड़ी खबरें होते हैं उस पर हम नजर डालते हैं। तो आज दो खबरों पर हर रोज की तरह हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक एनालिसिस की है आज मैंने आपके लिए और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या जो देश का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है बुलेट ट्रेन का, कहीं वो सपना रुक तो नहीं गया भारत के लिए, कहीं वो सपना धूमिल तो नहीं हो गया। क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है और एक बयान आया है। तो पूरी खबर जो है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बता दूं कि बुलेट ट्रेन जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से चलनी है मुंबई तक, और इसमें दो स्टेट्स मेनली और एक दादरा और हवेली भी आते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगहों की जो जमीन है वो लैंड एक्विजिशन की जरूरत है दोनों सरकार को। कुछ लैंड जो वहां पे पहले से लोग रह रहे हैं उस जमीन को लेने के लिए, और उसके बाद ही उस जमीन का यूज करके बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक्स बनाए जाएंगे और भी जो जरूरी चीजें हैं वो बनाई जाएंगी। तो जमीन एक्वायर करना सरकार के लिए जरूरी है दोनों ही जगहों पर। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है, इनफैक्ट जो वहां के उद्धव ठाकरे हैं सीएम, उन्होंने ये कहा है कि अभी रिव्यू के लिए वो डाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फार्मर है, ना कि बुलेट ट्रेन। और ये भी कहा गया है कि अभी फिलहाल देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है और अभी फिलहाल इसे रिव्यू के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये भी साफ किया गया उनके द्वारा कि क्या इसे बंद तो नहीं किया जा रहा, उन्होंने ये भी मना कर दिया कि इसे बंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से जो मेट्रो की कार शेड बन रही थी आर ए फॉरेस्ट के आसपास, उसको बंद कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, नए महाराष्ट्र सरकार ने, तो उसी की तरह कहीं लोगों का मानना था कि कहीं बुलेट ट्रेन भी तो नहीं बंद किया जा रहा। तो ये साफ हो गया है कि बुलेट ट्रेन नहीं बंद किया जाएगा, अभी फिर सिर्फ रिव्यू के लिए उसे भेजा जा रहा है। चलिए आपको इससे जुड़े कुछ नंबर्स बता देते हैं। मैंने आपको बताया कि लैंड एक्विजिशन की जरूरत है इसे तीनों ही जगहों पर, महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा एंड हवेली। हालांकि दादरा एंड हवेली में बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत कम जमीन चाहिए, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारी जमीन चाहिए। गुजरात के ज्यादातर जमीन जो है वो एक्वायर कर लिए गए हैं, मोस्टली 60-70%, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन को लेकर विवाद है। वहां के जो फार्मर्स हैं उनको काफी परेशानी हो रही है अपनी जमीन देने में, और जो ट्राइबल लोग हैं वो भी अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये पूरा मामला है क्योंकि जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पे लोगों को परेशानी होगी अगर उनकी जमीन ले ली जाए, उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो सारी चीजें दूसरी जगह उन्हें ले जानी पड़ेगी, अपना पूरा जीवन यापन जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत परेशानी होती है दूसरी जगह माइग्रेट करना, क्योंकि आपको पूरा घर वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ फार्मर्स को भी परेशानी होती है। तो ये एक समस्या फिलहाल महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के लिए बनी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो फार्मर्स को देंगे, और ऐसे में जो फार्मर्स की जमीन है वो बुलेट ट्रेन में उपयोग किस तरीके से किया जाए इसको लेकर फिलहाल रिव्यू के लिए भेजा गया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि जो NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो पूरी निगरानी कर रहा है, जो पूरे इसको मैनेज कर रहा है बुलेट ट्रेन के इस पूरे मामले को, उसका क्या कहना है? उसका कहना ये था पहले कि अगस्त 2022 तक एक ट्रायल रन जो है वो की जाएगी सूरत और बिलीमोरा के बीच, जो कि गुजरात में है, और 2023 दिसंबर तक ये फुल सर्विस में भी आ जाएगी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है अभी फिलहाल, अब क्योंकि इसे रिव्यू के लिए भेजा गया है तो अब शायद ये ट्रायल ना हो पाए, और कोई नई खबर अगर आगे आएगी तो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होना है। कुल मिला के 1380 हेक्टेयर लैंड की जरूरत है जो एक्वायर करने की, जिसमें से 705 हेक्टेयर जो है वो एक्वायर अभी तक हो गए हैं। गुजरात के 940 में से 617 और महाराष्ट्र के 431 में से सिर्फ 41 हेक्टेयर। तो ये जब महाराष्ट्र में नंबर है वो काफी कम है, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लैंड जो अभी तक एक्वायर हो पाए, और शायद यही एक वजह है कि महाराष्ट्र सरकार अभी फिलहाल बुलेट ट्रेन पर आगे काम करने से बच रही है और इसे रिव्यू के लिए डाल दिया गया है। वहीं अगर दादरा एंड नागर हवेली की बात करें तो 8.7 हेक्टेयर में से 6.9 हेक्टेयर जो है वो एक्वायर कर लिए गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पूरा स्टेक क्या है, मैं आपको बता दूं कि 25% जो इसका स्टेक है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, 25
जो दूसरा 25% है वो गुजरात, और 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पूरा स्टेक रहने वाला है। लेकिन क्या इससे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट जापान से जो सेंट्रल सरकार ने केंद्र सरकार ने रूल लिया है उस पर पड़ेगा? जी नहीं, इसका फिलहाल उस लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक परेशानी ये हो जाएगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने में संकोच करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर यहाँ पर कोई नई सरकार आती है तो इनकी पॉलिसी बदल जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बार जरूर सोचेंगे इंडिया में फिर पैसे देने को, पैसे इन्वेस्ट करने को, लोन देने को। तो ये एक लॉन्ग टर्म परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि जो पूरा बुलेट ट्रेन का बजट है उसके 80 से ज्यादा यानी कि 81% जो है वो जापान से लोन लिया गया है उसके लिए, और बाकी के जो है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बटा हुआ है। तो इसको लेकर पूरा ये पूरा मामला है जो मैंने आपको बताया। तो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट के पास एक जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके पास सिर्फ एक यही अधिकार है कि वो जो लैंड एक्विजिशन है उसमें कुछ उसमें काम रोक सकता है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा जापान से जो लोन लिए गए हैं या फिर किसी और तरीके की चीजों में या फिर गुजरात की वाली में। लेकिन जो महाराष्ट्र में लैंड है वो एक्वायर अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये थी जो मैं आज की बड़ी खबर जो मैं आपको समझाना चाहता था बड़े ही आसान भाषा में, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जानते रहेंगे कि फिलहाल देश दुनिया में क्या चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आप वन वन न्यूज को यूट्यूब पर भी देखिए और फेसबुक पर हम हर रोज लाइव आते हैं वहां भी देखिए। शुक्रिया।